वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनर्पितं चरिञ्चिरात् कारुण्यवतीन कलौ समर्पयितम् उन्मत्तजरसां स्वभक्तिनिश्चयम् हरिपुरसुन्दरनतिपदं वसन्दीपितं सदा हृदये तन्द्रेषु सुरतवरिसचिनन्दनम् श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद। एक बार हाथ तोले बोलूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज जोर कर एक बार, हरे कृष्णा चंदन, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करें, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सर प्रथम गुरुपाद पद्म निखिला कृष्ण विष्णु पारस्पोत सर श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि धर्म प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदुपरांत शिक्षा गुरुद्वय निखिला कृष्ण विष्णु पारस्पोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति विलास शिला नारायण गोस्वामी महाराज एवं निखिला कृष्ण भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मैं असंख्य कोटि धर्म प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। सब पार्षद श्री प्रभुपाद जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडों का नाम जिनमें अन्यतम श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज एवं जिनके द्वारा स्थापित ईश्वर ध्यान श्री मायापुर में श्री चैतन्य गौड़िया मठ के संस्थापक अभिन्न गुरुपाद पद्म समर्पण दान प्रदाता श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज जी के अभय चरणारविंद में साक्षात धर्म प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ और उनके द्वारा घोषित आचार्य निखिला कृष्ण श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में मैं संख्य कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। सपार्श्व सचिनंदन गौर हरि सपरिकर श्री राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम। यहाँ पर मंच पर आसीन मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्रातागण सन्यासी वृंद ब्रह्मचारी वैष्णव वैष्णव को मेरा यथायोग्य प्रणाम। आज श्री नवदीप धाम परिक्रमा श्री गुरुदेव के अनुगत में इस परिक्रमा को बड़े शुष्ट रूप से महाराज के द्वारा ही कितने सुंदर रूप से शुष्ट रूप से इसका सुपरविजन चल रहा है और आज प्रथम दिवस की इस परिक्रमा में हम लोग श्री मायापुर धाम में उपस्थित हुए जहाँ पर सर्वप्रथम हम प्रभुपाद जी के पार्षद वृंद अब गंगा पार करके एक लाइन में जितने भी मठ हैं ये सब सब परिकर श्री प्रभुपाद जी की समाधि पीठ है। सर्वप्रथम हम आज पहले दिन की इस यात्रा में प्रभुपाद जी जिनके द्वारा श्री मायापुर धाम सारे जगत में प्रचारित हुआ है जिनको श्रील भक्तिवृंद ठाकुर जी ने प्रतिष्ठित किया है और सपरिकर श्रील प्रभुपाद जी ने भरपक प्रयास करके सारे विश्व में गौर धाम गौर नाम और गौर काम का जो प्रचार किया आज उसकी महिमा सारा विश्व देख रहा है। आज हमारे गुरुदेव के अनुगत में इस शीशी केशव जी गौड़िया मठ से जो परिक्रमा आई इस साक्षात इसका प्रमाण है कि सारे संसार से अमेरिका यूरोप रशिया और ब्राजील मेक्सिको सारे देश इसके सारे प्रांतों के लोग इस परिक्रमा में सम्मिलित हो रहे हैं और भाग ले रहे हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं जिसमें बड़े सुंदर रूप से हरि कथा धाम का वैशिष्ट्य आचार्यों की महिमा का गुणगान श्रवण हो रहा है
सुंदर सुंदर नरोत्तम ठाकुर जी के, लोचन ठाकुर जी के और भक्तिवर ठाकुर जी के भजनों को श्रवण किया जा रहा है। ऐसा सुंदर संयोग वर्ष में एक बार ही उपलब्ध होता है, इसलिए सभी से निवेदन है इसका जितना लाभ उठा सके उस साधु संघ का, उस धाम के दर्शन का उतना ही लाभ उठा पाए। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने श्रील भक्तिवर ठाकुर जी जिनके सम्मान में कहा गया है कि ये सप्तम गोस्वामी हैं और उन्हीं सप्तम गोस्वामी जी के अनुग्रह श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने मायापुर धाम को किस सुंदर रूप से प्रचारित किया। उनके एक अन्यतम परिक्रम के स्थान पर आज हम लोग उपस्थित हुए हैं जिनके द्वारा ये मठ स्थापित हुआ। सारे विश्व में विशेष करके इस भारत भूमि में बहुत सारे बृहद मठों की स्थापना श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा किया गया। श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी से श्रवण किया एवं श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी से भी श्रवण किया कि प्रभुपाद जी के राइट हैंड स्वरूप में श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी राइट हैंड, जिस प्रकार हम परम गुरु जी के संबंध में श्रवण करते हैं ठीक अनुरूप ही श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज के संबंध में भी श्रवण किया जाता है। पहले जहां पर हम चैतन्य मठ जाएंगे, अभी पहले श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी उस स्थान पर वे आचार्य लीला को संपन्न करते थे, अर्थात उनके इस पराक्रम को, इनके वैभव को देखकर सभी लोग उनका चरण हर्ष करते थे। उनकी ऐसी सुंदर वीरजवती हरि कथा को सुनकर सब आकर्षित हो जाते थे। लेकिन तब फिर कुछ कलयुग के कारण कुछ बाधाएं हुई तो चैतन्य मठ से उनको फिर योग पीठ पर आना पड़ा। योग पीठ पर भी आचार्य लीला को संपन्न जब करने लगे तो वहां पर भी आपत्ति उठ गई कि आप यहाँ पर ये आचार्य लीला नहीं कर सकते। तब फिर कहीं जाकर उन्होंने एक मैदान में ही एक टेंट लगाकर परिक्रमा को आरंभ किया और इसी स्थान पर श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का स्थापन किया। जिस प्रकार प्रभुपाद जी के परिक्रम में कुछ तो फ्रंट लाइन प्रचारक रहे और कुछ बिहाइंड द सीन रहे, तो श्री भक्ति देव माधव गोस्वामी महाराज जी ये उन फ्रंट लाइन आचार्यों में जिनका जो प्रचार इतना बृहद प्रचार, इतना बृहद प्रचार जो एक बार इनकी हरि कथा श्रवण कर देता था वो कभी भी भूलता नहीं था और इनका चरण आश्रय धारण करता ही था। इनके बहुत सारे अवदान हैं, बहुत सारे अवदान, लेकिन सभी अवदानों में सर्वश्रेष्ठ जो अवदान है वह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का जो जन्म स्थली है नीलाचल श्री जगन्नाथपुरी धाम में, उसको प्राप्त करने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया। एक मीटिंग बुलाई गई, प्रभुपाद जी के अनुगत जन परिकर सब बैठकर मीटिंग कर रहे हैं कि हमको प्रभुपाद जी का जन्म स्थान जैसे तैसे हमको हासिल करना चाहिए, इसलिए सब अपना अपना कुछ योगदान दें। उस समय गौड़िया मठ का प्रचार अभी आरंभ हुआ ही था, किसी के पास इतनी संपत्ति धन नहीं था, इसलिए गुरु भाइयों ने जितना संभव हो सका उतना प्रदान किया, लेकिन इकट्ठा होने पर भी इतना पर्याप्त नहीं था कि उस स्थान को खरीदा जा सके और सब बड़े निराश हो गए। श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज के संबंध में ये कहा जाता था कि इनकी ज्वालामुखी ऊर्जा, वॉल्केनिक एनर्जी, और ये कहा जाता था जहां पर समस्त गुरु भाइयों की जहां पर चेष्टाएं समाप्त होती थी वहां पर इनकी चेष्टा आरंभ होती थी, जहां पर सब हाथ खड़े कर देते थे अब हम हमसे और नहीं हो पाएगा वहां से फिर इनकी चेष्टा आरंभ होती थी। तो इतना धन पर्याप्त नहीं था तो क्या करते, तो उसी समय गुरु भाइयों ने कहा माधव माधव वाची माधव माधव हृदि स्मरन्ति कालः सर्व माधवेषु कार्यम्। माधव के द्वारा ही अर्थात श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज के द्वारा ही संभव हो पाएगा। तब इन्होंने बड़े दीनहीन होकर अपने सभी गुरु भाइयों को प्रणाम किया और कहा कि यदि आप सब यही चाहते हैं तो ये आदेश मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ और प्रभुपाद जी के जन्म स्थान को मैं प्राप्त करने का पूरा प्रयास करता हूँ। इसलिए उन्होंने भिक्षा की
लोन भी लिया, सब प्रकार से उस स्थान को जैसे तैसे प्राप्त करना है, लेकिन उस स्थान पर 40 परिवार रहते थे, 40 परिवार किराएदार, उनको वहां से खदेड़ना निकालना असंभव था, असंभव। इसलिए कोर्ट केस इत्यादि सब किया गया और साथ ही साथ उनसे प्रार्थना की गई, लेकिन कोई वहां घर छोड़कर जाना नहीं चाहता। और उसके ऊपर श्री भक्तिदेव माधव गोसाई महाराज जी को प्रचार कार्य भी देखना था, तो उन्होंने अपने सबसे निकट उन्हीं के द्वारा अनुग्रहित जो आचार्य रहे श्री पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी, उनको ये भार दे दिया कि आप जाओ उस स्थान पर रहो, नहीं तो किरायादार यहाँ से जाएंगे नहीं। श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी अपने कुछ भ्राताओं के साथ, गुरु भाइयों के साथ उस स्थान पर रहने लगे और जितने 40 परिवार वहां पर रहते थे वो उनकी इतनी बेइज्जती करने लगे, उनके ऊपर कभी अंडा का छिलका फेंकते, कभी प्याज लहसुन फेंकते और न जाने कितनी गंदगी इन लोगों पर के ऊपर फेंकते। ये देखकर श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी के गुरु भाई सभी बड़े क्रोध मुद्रा में उनसे लड़ाई करने के लिए खड़े हुए, लेकिन श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी बड़े शांत प्रशिष्ट स्वभाव के उन्होंने कहा, नहीं, कोई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, यदि हम झगड़ा करेंगे तो केस हार जाएंगे। लेकिन सब कहने के महाराज रोज इस प्रकार से हमारी इतनी बेइज्जती करते हैं, हमको लड़ना चाहिए। तो बड़े मंद मंद मुस्कुराते हुए, उनका बड़ी मंद मंद मुस्कुराहट होती थी, बड़े सरल वैष्णव, सरलता की प्रतिमूर्ति। वो कहते थे, देखो गुरु सेवा बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है, ये सबके सबके किस्मत में, सबके मुकद्दर में ये गुरु सेवा प्राप्त नहीं होती, हमको ये प्राप्त हुई है, हमको गुरु महाराज जी का महाप्रभु का परम धन्यवाद करना पड़ेगा। देखो कुरेश ने भी तो अपने गुरुदेव की सेवा के लिए अपने नेत्रों को बलिदान कर दिया था, इसलिए हमको बड़ा सौभाग्य मिला है, इसलिए सहन करो, ये सहन करना ही गुरु सेवा है। इस प्रकार बंद बंद मुस्कुराते हुए कितना सहन किया और जैसे तैसे उस स्थान को प्राप्त करके ही रहे। आज जहां पर सारा विश्व जाकर प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जन्म स्थान पर प्रणाम करता है, इसका इसको संसार को अवदान देने के लिए सबसे बड़ा श्रेय जाता है श्री भक्ति दैत श्री माधव गोसाई महाराज जी को, ये उनको श्रेय जाता है, श्री भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज की। और वैसे जैसे गुरु वैसे ही शिष्य भी। चंडीगढ़ में श्री चैतन्य गौड़िया मठ, वास्तव में महाराज जी ने जितने भी मठ स्थापित किए सब बड़े बड़े हैं। वृंदावन में पहले गौड़िया मठ नहीं होता था, सबसे पहले गौड़िया मठ श्री चैतन्य गौड़िया मठ ही, जिसको बड़ा मठ कह के संबोधन करते हैं। आज भी बहुत सारे प्राचीन जो भक्त हैं उनको बड़ा मठ कहते थे। हमारे गुरुदेव भी मथुरा से श्री भक्तिदेव माधव गोसाई महाराज जी का संग करने के लिए मथुरा से वृंदावन आया करते थे, उनकी कथा सुनते थे। और 1996 में गुरु जी की जब व्यास पूजा मनाई जा रही थी हॉलैंड में, तो गुरु जी बड़े शर्मा जाते थे, नहीं नहीं हमको व्यास पूजा नहीं करनी। लेकिन जब भक्तों का आग्रह हुआ, तो जब पहली बार उनकी व्यास पूजा विदेश में मनाई गई, तो वो एक रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पर, गुरुदेव स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वास्तव में व्यास पूजा कैसे मनानी चाहिए ये मैंने सीखा है श्री भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज से। क्योंकि हम लोग जब वृंदावन धाम में आए, उनकी व्यास पूजा जो कि कार्तिक के शेष में मनाई जाती है, तो श्री गुरुदेव कह रहे मैं भी वहां पर आया और मैंने देखा मेरे गुरु तुल्य श्री भक्तिदेव माधव गोसाई महाराज कैसे सबको माथे पे चंदन लगा रहे हैं, सबके गले में माला धारण करा रहे हैं, सबको वस्त्र दे रहे हैं, सबको दक्षिणा दे रहे हैं, और देते देते अपने गुरु भ्राताओं के साथ देते देते मेरे पास आए और मेरे को भी चंदन माला और दक्षिणा और वस्त्र जब देने लगे, तो गुरुदेव कहने लगे मैं तो बड़ा संकुचित हो गया, महाराज आप तो मेरे गुरु तुल्य हैं, आप तो मेरे शिक्षक गुरु हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सुनकर श्री भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज ने कहा आप सन्यासी हैं और वैष्णव सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है, यदि मुझको एक चॉइस दी जाए कि विष्णु और वैष्णव में से किसकी सेवा मैं को चयन करूंगा, तो मैं वैष्णव सेवा को ही चयन करूंगा, विष्णु सेवा से भी ऊंची है वैष्णव सेवा। इसलिए वृंदावन का जो श्री चैतन्य गौड़िया मठ जब स्थापित हो रहा था,
अभी मठ पूरा भी बना नहीं था और अभी धन का भी अभाव था, और उस समय उन्होंने अपने सारे गुरु भ्राताओं को पूरे भारत में जहां जहां रहते थे सबको निमंत्रण दिया, उनको ट्रेन की टिकट का पैसा टैक्सी से लाना, ठीक ठीक रूप से कमरे की व्यवस्था करना, और अपने सारे शिष्यों को कह दिया था कि देखो जिसको जो प्रिय है वही पकवान वही प्रसाद बनाकर उनको देना, जिसको जैसा प्रिय हो। इतना खर्चा किया गया उस समय, लगभग 75,000-80,000 रुपया खर्च करना किया गया। ये देखकर श्री भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज के गुरु भ्राताओं ने कहा कि महाराज इतने पैसा खर्च करने की क्या आवश्यकता है, इतने पैसे में तो पूरे मठ का मार्बल लग जाएगा, तो थोड़ा सा कम खर्चा करो और पैसा बचा लो जिससे पूरा मठ तो तैयार हो जाए। ये सुनकर इनका विचार देखो कैसा, श्री भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज कहने लगे ये पैसा और मार्बल और मठ तो बाद में भी बनता रहेगा, पैसा जरूर आएगा और आता रहेगा, लेकिन इन महापुरुषों की सेवा फिर दोबारा कभी प्राप्त नहीं होगी। ये एक एक करके यदि प्रकट हो गए तो इनके संग से हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए ये सुयोग है, पहले इनकी सेवा करेंगे, जितना धन लगेगा मुझको उधार भी लेना पड़ेगा तो मैं उधार भी लूंगा, लेकिन अपने सभी गुरु भ्राताओं की मैं सेवा करूंगा, क्योंकि वैष्णव सेवा सर्वोपरि है। ऐसे इनके सुंदर सिद्धांत, ऐसे इनके सुंदर विचार और बड़े विचारशील कुशल भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ चंडीगढ़ में श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी जब एक समय वास कर रहे थे तो रात्रि के समय में बड़ा भारी भूकंप आया, पूरी बिल्डिंग हिलने लग गई। और जब भूकंप आता है तो क्या कहा जाता है, सब बाहर चले जाओ खुले मैदान में। मठ के पीछे बहुत बड़ा एक बागान है, मैदान है, सब दौड़कर बाहर चले गए। जब बाहर गए तो भूचाल तो कुछ क्षण में रुक गया। अब सब ब्रह्मचारी ग्रस्त भक्त लोग देख रहे हैं गुरु जी कहाँ है, गुरु जी मतलब श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज, ये कहाँ है, ये तो दिख नहीं रहे। और फिर तुरंत मठ के अंदर भीतर भागे, चारों तरफ गुरु जी को ढूंढने लगे, उनके कक्ष में देखा गुरु जी नहीं है, पूरा मठ छान लिया कहीं गुरु जी नहीं मिले, चिंता में पड़ गए गुरुदेव कहाँ चले गए। तब कुछ भक्त लोग जब ठाकुर जी के मंदिर में गए तो देखा श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी ठाकुर जी को, श्री राधा नयन जी उन ठाकुर जी को ऐसे आलिंगन करके बस उनके चरणों को पकड़कर बैठे हैं। कितना आसान है कहना प्रेम प्रेम प्रेम, लेकिन अनुकूल स्थिति में नहीं प्रतिकूल स्थिति में पता लगता है किसका कहां पर प्रेम है। सब अपने प्राणों को बचाने के लिए बाहर भागे, लेकिन पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज अपने प्राणों को बचाने के लिए, कौन उनके प्राण हैं, उनके गुरु जी के द्वारा स्थापित श्री विग्रह, श्री राधा कृष्ण जो विग्रह हैं, उनके प्राणों को बचाने के लिए कि उनको आघात ना हो जाए, ऐसे आलिंगन करके उनको बैठ गए। तब जान गए कि गुरु जी का प्रेम वास्तव में कहाँ है, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। ऐसे हमारे गुरुवर्गों के विचार, हम उन विचारों में हम भी एक दिन कभी प्रतिष्ठित हों उनके श्री चरण कमलों में, हम यही निवेदन करते हैं। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान निराम ज्ञान सलाकया।